अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वील बी स्टडिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। वो सारे स्टूडेंट्स जो बी कॉम, बी बी ए, एम बी ए, एल एल बी या ए सी एम ए सी ए का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को आखिर तक देखें अगर आप राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर को समझना चाहते हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सो व्हाट डज बेलमेंट मीन्स? बेलमेंट एक ऐसा फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू डिलीवर। इसका मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द ऑनर टू अ पर्सन हु विल बी स्पेंडिंग सम टाइम फॉर सम पर्पस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे ऑर्नामेंट्स, लिविंग थिंग्स या फिर कार, बाइसिकल, इस तरह की चीज़ों को हम बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो बेलमेंट इज एक्चुअली अ वर्ड विच इज़ a French word which means to deliver. Let's see the definition. Section 148 define कर रहा है bailment को। कैसे define कर रहा है? A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. It means किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए आपने goods, owner of the goods ने delivery of goods दी है किसी दूसरे person को, और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो गुड्स अपने रियल ऑनर को रिटर्न कर दी जाएंगी। सेक्शन 148 की अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये डेफिनेशन है। सेक्शंस को हमें डेफिनेशन में रेफर करना पड़ता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच यू नीड टू रिमेंबर। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कितनी पार्टीज़ हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टीज़ हैं, एक है बेलर और दूसरा है बेली। बेलर कौन है? वो पर्सन जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है वो कहलाएगा बेलर। तो अगर हम कहें कि जो ऑनर ऑफ द गुड्स है ही इज़ द बेलर, एंड द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द गुड्स और द पर्सन हु टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज़ एक्चुअली द बेली। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कभी कभी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब जिसमें बेलर और बेली दोनों को फ़ायदा होगा। जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं, आपने अपनी कार गैरेज में दी रिपेयरिंग के लिए, यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ सम सर्विसेज टू योर कार। तो आप बेलर हैं जिसे ये फ़ायदा पहुंच रहा है कि आपकी कार रिपेयर हो रही है, उसकी सर्विस हो रही है। और जो गैरेज का ऑनर है या जो आपको सर्विसेज दे रहा है वो बेली है, और उसको ये बेनिफिट है कि वो उस सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ पेमेंट लेगा। तो जब दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट हो, बेलर और बेली, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट बेलमेंट्स। लेट्स सी व्हाट अदर टर्म कैन वी यूज फॉर इट। और एग्जांपल्स देखते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ की। मिस्टर अली ने अपने क्लोथ टेलर को दिए टू कन्वर्ट द क्लोथ इनटू अ सूट। तो मिस्टर अली हमारे लिए बेलर है और वो टेलर जिसको आपने सूट्स दिए वो आपके लिए बेली है। दो काइंड्स की बेलमेंट की हम बात करेंगे। एक है ग्रेशियस बेलमेंट और एक है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रेशियस बेलमेंट क्या है। तो ग्रेशियस बेलमेंट इज अ बेलमेंट इन विच अ बेली होल्ड्स द बेलर्स प्रॉपर्टी एंड एक्सपेक्ट्स नथिंग इन रिटर्न। आपने किसी अपने दोस्त के पास गाड़ी रखवाई कि मैं दो दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ और तीसरे दिन आके वापस ले लूँगा। आप उसको कोई पैसे पे नहीं कर रहे या कोई रिवॉर्ड उसको नहीं मिल रहा। तो ग्रेशियस बेलमेंट वो है जो हम अपने सोशल रिलेशंस की बेस पे किसी को बेनिफिट करने के लिए देते हैं। या अगर आपने अपना पेन अपने फ्रेंड को लेंड कर दिया फॉर सम पर्पस, उसने आपसे बोरो किया, कुछ देर यूज़ करके वो आपको वापस कर देगा, जब वो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है। या तो सिर्फ बेलर को बेनिफिट मिल रहा है या सिर्फ बेली को बेनिफिट मिल रहा है। जब किसी एक पार्टी के बेनिफिट में हो तो
तो उस बेलमेंट की टाइप को हम कहेंगे ग्रेशियस बेलमेंट. लेट्स सी द अदर वन नाउ. नॉन ग्रेशियस बेलमेंट. नॉन ग्रेशियस बेलमेंट क्या है? जब दोनों पार्टीज को रिवॉर्ड मिलेगा, एक पार्टी को सर्विसेज मिल रही है, दूसरी को कंसिडरेशन मिल रही है, तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को हम कहेंगे नॉन ग्रेशियस बेलमेंट. तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट वो है जिसमें बेलर और बेली दोनों को फ़ायदा मिल रहा है और दोनों अपने अपने पर्पस के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ये था स्टूडेंट्स अब तक जो हमने बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा सेक्शन इसकी डेफिनेशन देता है. अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ जिसे हम कह रहे हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर और राइट्स ऑफ बेलर. तो बेलर जिसे हम कह रहे हैं कि वो ऑनर ऑफ द गुड्स भी है और वही वो पार्टी है जो गुड्स को डिलीवर करेगा बेली के लिए. तो अब हम बात करते हैं कि बेलर की ड्यूटीज़ क्या हैं. सबसे पहली ड्यूटी उसकी है कि वो अगर उसकी गुड्स में कोई डिफेक्ट्स हैं, कोई फॉल्ट्स हैं, तो वो उन फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करे. वो अपने गुड्स में पहले से मौजूद डिफेक्ट्स को हाइड नहीं कर सकता. उसकी ड्यूटी है कि वो क्लियरली मेंशन करे अगर उसकी गुड्स डिफेक्टेड हैं, अगर फॉल्टी हैं. सेकंड ड्यूटी है कि अगर उसने कोई एक्सपेंसेस आए हैं, उसकी गुड्स बेली की पोसेशन में थीं, बेली के पास उसकी गुड्स ट्रांसफ़र हो गईं, अगर उस बेली ने उसकी गुड्स पे कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि अगर हॉर्स उसकी कस्टडी में था तो हॉर्स को उसने फीड किया है, खाना खिलाया है, उस पर कुछ पैसे कुछ अमाउंट खर्च की है, तो उसको हम कहेंगे कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं टू मेंटेन द गुड्स. और अगर ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस बेली ने इनकर किए हैं तो बेलर की ड्यूटी है कि वो उन एक्सपेंसेस की पेमेंट करे. फिर अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी इनकर हो जाते हैं और वो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, जैसे सपोज हॉर्स को फीड करने के एक्सपेंसेस तो देने ही देने हैं, अगर हॉर्स बीमार हो जाता है और उसकी मेडिकेशन पे भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम कंसिडर करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में. तो नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दोनों को पे करना बेलर की ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड है. इन एक्सपेंसेस के अलावा अगर बेली कोई किसी किस्म का लॉस सफ़र करता है तो वो लॉसेस को पे करना भी बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर सपोज हम इसी हॉर्स की एग्जांपल लें जिसको हमने जिसके फीडिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, जिसके सिकनेस और मेडिकेशन के एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, अगर सपोज हमने ये हॉर्स किसी बेली के स्टेबल में रखवाया और हॉर्स विशियस हो गया, हॉर्स ने वहाँ पे कुछ डैमेजेस इनकर कर दिए, तो उन सारे डैमेजेस को इंडेमनीफाई करना, इंडेमनीफाई करने का मतलब है लॉसेस को पे करना, बेली ने अगर कोई भी लॉसेस फेस किए हैं तो उनको पे करना भी बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ एग्जाम्पल दिए ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली में. इफ़ ए गिव हिज नेबर स्कूटर टू बी, इट मीन्स ए इफ द बेलर, उसने स्कूटर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे बी को दिया और वो स्कूटर उसका अपना नहीं था, उसके नेबर का स्कूटर था. अगर उसके नेबर ने बेली पे केस फाइल कर दिया तो उस केस से निमटने के जो एक्सपेंसेस या जो भी नुकसान बेली ने फेस किए हैं उन सबको पे करना बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फाइनली ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स. अगर आपने 3 दिन के लिए अपना हॉर्स किसी के स्टेबल में रखवाया तो 4th day अपने गुड्स को वापस लेना, बींग द ऑनर ऑफ द गुड्स, बींग द बेलर, आपकी ड्यूटी है. तो ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द बेलर. वेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज ओवर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द गुड्स बैक फ्रॉम द बेली. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स ऑफ बेलर. ड्यूटीज़ को तो हमने देख लिया, अब हम इसके राइट्स की बात कर रहे हैं कि राइट्स ऑफ बेलर क्या हैं. राइट्स वो हैं जो राइट्स ऑफ बेलर असल में बेली की ड्यूटीज़ हैं. जो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बेलर के राइट्स हैं. तो अब हम देखते हैं कि बेलर के क्या क्या हकूक़ हैं कि वो बेली से क्या चीज़ें रिसीव करेगा. अगर उसकी गुड्स में कोई डैमेजेस आ गए, जैसे सपोज आपने अपना स्कूटर अपने दोस्त को लेंड किया,
बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे दिया 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद जब आपको वो स्कूटर वापस मिला तो उसके इंजन में डिफेक्ट था। तो इसका मतलब जो डैमेजेस उस स्कूटर में बेली की वजह से आए, उन डैमेजेस की अमाउंट आप रिकवर कर सकते हैं अपनी बेली से। तो पहला राइट बेलर का है कि वो डैमेजेस को रिकवर कर सकता है बेली से। सेकंड राइट इज़ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन का मतलब है बेलर ऑनर ऑफ द गुड्स है, जिस वक्त वो देखे कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट एज पर अग्रीमेंट नहीं हो रही, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट करने का मतलब है कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना। तो बेलर अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकता है। थर्ड राइट है अनऑथराइज्ड यूज़। अगर बेलर नोटिस करे कि जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ था वो फुलफिल नहीं हो रहा, बल्कि कोई ऐसा यूज उसकी गुड्स के साथ हो रहा है जो कमिटमेंट में नहीं है। जैसे सपोज आपने अपनी कार बेलमेंट पर दी अपने फ्रेंड को, उसका मकसद था कि वो खुद कार को यूज़ करेगा, लेकिन आपने बीइंग द बेलर नोटिस किया कि आपकी कार को वो एज अ टैक्सी यूज़ कर रहा है। अब यकीनन वो एज अ टैक्सी यूज़ करना एक ऐसा यूज़ है जो उसने आपको पहले से मेंशन नहीं किया, तो ऐसे यूज़ को हम कहेंगे अनऑथराइज्ड यूज़। तो अगर बेलर नोटिस करे कि उसकी गुड्स के साथ अनऑथराइज्ड यूज़ हो रहा है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो उसको बेली को रोके और वो अपनी गुड्स उससे रिटर्न में ले ले, या वो अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को ख़त्म कर दे। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ गुड्स। मिक्सचर ऑफ गुड्स का मतलब है कि बेली अपने गुड्स के साथ किसी सूरत भी बेलर की गुड्स को मिक्सअप नहीं करे। इस एग्जाम्पल को हम ज़्यादा क्रॉप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अपने राइस, क्वालिटी ए राइस, बेस्ट क्वालिटी राइस किसी के गोडाउन में रखवाए और उसमें ऑलरेडी कुछ राइस अवेलेबल थी, वो राइस जो पहले से मौजूद थे वो क्वालिटी सी इन्फीरियर क्वालिटी राइस थे। अगर सपोज बेली ने आपके फाइन क्वालिटी राइस को अपने इन्फीरियर क्वालिटी राइस में मिक्सअप कर दिया और अब सेपरेट करना मुश्किल हो गया है या कुछ केसेस में इम्पॉसिबल हो गया है, तो ऐसा करना बिल्कुल भी बेली को अलाउ नहीं है। बेलर के पास पूरा राइट है कि वो उसको अपनी गुड्स को मिक्सअप होने से रोके। वो मना करेगा कि किसी सूरत उसकी गुड्स को मिक्सअप ना किया जाए किसी दूसरी गुड्स में। फिर बेलर के पास पूरा राइट है कि वो अपनी गुड्स को वापस मांगे। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा हो गया तो वो अपनी गुड्स को वापस मांगेगा बेली से। ही कैन डिमांड द गुड्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड्स, और इफ़ ही वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इवन देन ही कैन डिमांड द गुड्स बैक। लास्ट राइट की हम बात करते हैं डिमांड ऑफ इंक्रीज। ये इंक्रीज है नेचुरल इंक्रीज। जैसे हमने हॉर्स की एग्जाम्पल ली थी, अगर हॉर्स ने अपने बेबी फॉल को बर्थ दे दी और हम कहें कि एक नेचुरल इंक्रीज हो गया ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, या अगर हमने हेंस किसी के पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गियां रखी और मुर्गियों को 2 महीने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में रखा और उस 2 मंथ्स के बाद उन हेंस से आपने देखा कि और चिक्स ने बर्थ ले ली है, तो वो सारी नेचुरल इंक्रीज या इंक्रीज इन गुड्स काउंट होगी। क्योंकि ऑनर ऑफ द गुड्स बेलर है, तो अगर उसकी गुड्स में कोई इंक्रीज आ जाती है, अगर उसकी गुड्स में कोई इंक्रीज आ जाती है तो वो इंक्रीज लेना भी बेलर का राइट है, वो अपनी गुड्स में इंक्रीज को रिसीव करेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।